इंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंड या गठबंधन की नीयत है उसे तबाह कर दो। ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है, दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है और ये नीति रणनीति क्या है, ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं।